हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मध्य प्रदेश लिपिक वेतन विसंगत के बारे में। खासकर दोस्तों, अब हम लीड ले रहे हैं, धीरे धीरे बातें आगे बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट्स धीरे धीरे बात होगी और लिपिक वेतन विसंगत जल्द दूर होगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, लिपिक वेतन विसंगत के साथ साथ जितने भी पत्र जारी हो रहे हैं उसमें इसके साथ साथ पुरानी पेंशन योजना बहाली, खासकर CPCT हटाना जो अनुकंपा नियुक्ति पे हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन वैसे भी कुछ लोग मांग उठा रहे हैं कि CPCT आप रिमूव कर दो और जो टाइप राइटर है पुराने ज़माने का उसको आप ला दो। तो ऐसी कुछ बातें चल रही हैं। देखिएगा दोस्तों, आई एम नॉट ऑफिशियल, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते अपना फर्ज बनता है, क्योंकि इससे हमें भी प्रभाव पड़ेगा, हम भी इम्पैक्टेड होंगे, तो इसीलिए इस पे बोलना हमारा दायित्व तो है। हमारे जैसे कितने सारे कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहली बात ये रही कि अगर किसी को अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है और वो योग्यता वह नहीं रख रहा है जो होना चाहिए, तो बात मतलब साफ है कि उसको वह क्वालिफिकेशन गेन करना चाहिए या फिर आप दूसरी पोस्ट दीजिए। लाइक अगर मान लीजिए कोई LLB करके एडवोकेट बनता है, उसका बच्चा उसके साथ प्रैक्टिस करने आता है या फिर इन फ्यूचर किसी वजह से आता है, उसके पिताजी अगर नहीं रहते तो क्या वो एडवोकेट कहलाएगा? सेम इसी तरह से कि अगर आप CPCT में क्वालिफिकेशन कर देते हैं ऑलरेडी फॉर ए क्लरिकल स्टाफ, CPCT मैंडेटरी कर देते हैं, तो अनुकंपा नियुक्ति में आखिर क्यों नहीं? और अगर क्योंकि आप समय भी देते हैं, 2-3 साल कोई कम ही रहता है, और जिसके पास काबिलियत है वो निकालेगा, जिसके पास नहीं काबिलियत है तो आप सहायक ग्रेड 3 को विभाजित करिए, मांग ऐसी होनी चाहिए, और सहायक ग्रेड 3 के नाम पे एक हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट को लोएस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट साथ मर्ज करने की कोशिश ना की जाकर अलग अलग पोस्ट नाम दिया जाए। जिनके पास CPCT में दूसरा कुछ नाम दीजिए, और जो CPCT क्वालिफाइड है, जो रियल में वर्क करते हैं ऑफिसेस में, उनके लिए आप अलग रूल बनाइए, उनके लिए अलग से आप भत्ते भी प्रोवाइड करिए एंड एज वेल एज डेट पे हायर। एंड साथ ही साथ दोस्तों, जितने पुराने हैं, मैंने कितनी सारी वीडियोज़ में आपको बात किया है कि जो 45 प्लस हो जाते हैं उनके लिए CPCT मैंडेटरी नहीं रहता, तो इसीलिए हमारे जो सीनियर्स हैं मैं उनका सभी का आदर सम्मान करता हूं। एंड यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पुराने लोगों ने इस कदर आवाज़ नहीं उठाया था अपने हक के लिए, इसीलिए आज हम ये भुगतान कर रहे हैं। बाय द वे दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारा जो कैडर रहे, जो क्लरिकल कैडर रहे, जो आजकल के क्लरिकल स्टाफ हैं, वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं, इसीलिए किसी और को अपने बीच ना आने दें जो कि अपने हक की मांग ना करे या फिर उस पद को डिमीन करे। जो आज रियल मुद्दा है, जो असल मुद्दा है, वह है लिपिक वेतन विसंगति। एक क्लरिकल स्टाफ आई आल्सो वर्क कि आप 10 लोगों का काम अकेले करते हो, कितना बिजी शेड्यूल रहता है, एंड मैंने कितनी सारी वीडियोज़ में आपको बताया है लिपिकों का दर्द एंड उसकी वर्क क्वालिटी। इस सब के बाद भी अगर कोई लिपिक वेतन विसंगत की बात ना करे तो ये देखिए मेरे समझ से परे है। इसीलिए इन फाइनल कि लिपिक वेतन विसंगत ही सिर्फ एक सूत्री मांग होना चाहिए, बकाया अगर आप CPCT हटाने की बात कर रहे हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ क्लेरिकल एंट्रेंस टेस्ट, तो मैं इसके जस्ट अपोजिट हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मेरा मत है कि सहायक ग्रेड 3 या फिर लिपिक वर्गीय जितने भी पद हैं, योग्यता अनुसार अलग अलग पदों का सृजन किया जाए, न कि सभी को एक में लाकर एक नाम देकर एक जो सेल्फ एस्टीम्ड कैंडिडेट है उसको आप उनकी नज़र से देखें जो कि पहले से अभी प्रचलन में आ रहा है। और यही वजह है कि आज भी कहीं ना कहीं कुछ लोग जो क्लरिकल स्टाफ को रियल मायने में नहीं समझते, वो बोलते हैं कि एक बाबू करता ही क्या है, कंप्यूटर पीटता है, फटपीट 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 और कुछ नहीं। तो ये जो हमारे सामने परोसा गया है, हम उसका भुगतान कर रहे हैं, हम खून के आंसू ऑलरेडी रो रहे हैं। हमारी जो इज्जत है, हमारा जो सम्मान है, वो जो बदनामी हमें दी गई है, बदनामी का टैग दिया गया है, ये वही लोग दिए हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। देखिएगा, ये विरोध की आवाज़ है, एंड आवाज़ बुलंद रहेगी। कोई भी क्लरिकल स्टाफ को डिमीन करने की कोशिश ना करिए। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि हमारी वेतन संख्या जल्द दूर होगी, हमारे साथ बन जाएगा। धन्यवाद।